गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन हाई लेवल है, मतलब टाइमिंग जो है, जैसे और भी IITs है सब्जेक्ट, मतलब टाइमिंग्स को लेके फ्री है। खाने को लेके भी डिफरेंस देखा जा सकता है, और ऐसा है कि एग और स्वीट आप एक डे पे नहीं खा सकते हो, या तो आपको स्वीट लेना है या तो आपको एग लेना है। गेट के अंदर, गेट के अंदर, गेट के अंदर, ऐसा लगता है कि हम लोग जेल में एकदम आजाद नहीं है पूरी तरीके से। वी स्पोक टू द गर्ल्स ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड ट्राई टू नो द इश्यूज दे फेस इन द कॉलेज एंड हॉस्टल्स। BHU का सबसे पहला बात ये है कि अब ये उतना सेफ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस की कमी है, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट को बैन कर दिया गया है। वेदर इट्स द टाइमिंग्स ऑफ द हॉस्टल और फूड इन द मेस, गर्ल्स फेस इनइक्वालिटी वन वे और द अदर। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मेंटल प्रेशर नहीं डिप्रेस हो जाते हैं कि हम भी सेम एग्जाम्स क्वालिफाई करके आए हैं बट हमें क्यों डिफरेंट फील कराया जा रहा है। टाइमिंग हो, चाहे मतलब हॉस्टल्स के रूल्स हो, जैसे बॉयज़ हॉस्टल में कोई रूल्स नहीं होते देखा जाए तो, और हमारे हॉस्टल में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के 5 तरह के रजिस्टर्स भरवाए जाते हैं, तो ये सब रजिस्टर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते बॉयज़ हॉस्टल में। कि और नॉनवेज, जैसा कि कहा कि नॉनवेज हमें पहले नहीं दिया जाता था, इस साल से क्योंकि मैं फ्रेशमैन हूँ तो हमें दिया जा रहा है, वो भी सिलेक्टेड डेज पे दिया जाता है। और एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिया जा रहा है हर चीज़ का, अगर आप मतलब ये तो एक हेल्दी डाइट का पार्ट होना चाहिए मिल्क, जो सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए भी एक्स्ट्रा से चार्जेस लिए जा रहे हैं। एग अगर आप खा रहे हो तो उसके लिए भी अलग से चार्जेस लिए जा रहे हैं, और ऐसा है कि एग और स्वीट आप एक डे पे नहीं खा सकते हो, या तो आपको स्वीट लेना है या तो आपको एग लेना है। हमारे यहाँ 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, तो एक गर्ल्स हॉस्टल में तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके टाइमिंग्स हटे हैं, अभी ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली हम डिसोबीडियंस कर रहे हैं, बाकी अभी दोनों हॉस्टल्स में हैं। लीव है हमारा, कि अब हमें एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है कि आप इस मंथ में एक ही बार निकल सकते हो, कुछ कुछ एमरजेंसी केसेस में आप 2 बार निकल सकते हो, और एमरजेंसी केसेस भी वो यूजुअली जल्दी समझना नहीं चाहते। देखिए फर्स्ट ईयर में हमने फेस किया था कि हमें जब एडमिशन मिला उस टाइम हमसे नहीं पूछा गया कि हम कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट जब हमें हॉस्टल मिल रहा था देन हमसे पूछा गया किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, और हमें कम्युनिटी वाइज हॉस्टल्स दिए गए, STs को साथ में रूम्स दिया गया, जनरल्स को साथ में। फिर मेस में भी था ये कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका अलग, उनको अलग बैठना है, और जो लोग वेज खाते हैं उनको अलग। पर ये स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सिस्टम की डिमांड है, ये सिस्टम की भी है, और स्टूडेंट्स समवॉट इसको फॉलो कर रहे हैं।